एक तरफा आगाज हो गया है इस विधानसभा में कि दोनों पार्टियां अब कहीं भी नहीं दिखेंगी। अब अगर आपको चर्चा सुनने को मिलेगा तो आजाद समाज पार्टी का सुनने को मिलेगा इस विधानसभा में, उद्यमी राम पोसवाल जी का। अब की बार ये तय है कि जो राजस्थान विधानसभा का जो ताला है, वो दो ताला है, उसकी चाबी आरएलपी और असपा के गठबंधन के पास है। ये जिधर झुकाव होगा, ये जिधर जो फाइनल करेंगे, उस विधानसभा का ताला ये ही पार्टी खोलेगी। और हो सकता है कि राजस्थान के जो मुख्यमंत्री होंगे वो हनुमान बेनीवाल जी बने और इस राजस्थान का नेतृत्व करेंगे और इस तिजारा विधानसभा की जनता उनको मजबूत करने के लिए उद्यमी राम पोसवाल जी को उनका एक मजबूत सिपाही बना के और चुन के यहाँ से पैसे दे के बुलाई हुई भीड़ नहीं थी। ये जितने भी ये युवा खड़े हैं, ये सारे बदलाव चाह रहे हैं, ये सारे युवा भूख का पेट खड़े हैं यहाँ। 11 बजे का टाइम था और भाई साहब 4 बजे आए, लगभग 5 घंटे तक ये सभा चली और 5 घंटे तक भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी का इन्होंने वेट किया और भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के हाथ मजबूत करने के लिए ये जनता यहाँ खड़ी है। और अब की बार तिजारा विधानसभा से भाई उद्यमी पोसवाल को ये भारी मतों से विजय बनाकर भेजेगी। और आप देख रहे हैं कि जो उद्यमी पोसवाल के जो सभा में जनसैलाब उमड़ा है और आप देख रहे हैं कितना माहौल था आज का जो सभा का। सर क्या लगता है आज की जो सभा को देखते हुए क्या रहेगा चुनाव में? जमशेद भाई बताने की जरूरत नहीं है, आपने देखा होगा कि आज जो सभा का टाइम था वो 11 बजे का था और हमारे चंद्रशेखर भाई हनुमान भाई 4 बजे पहुंचे, लेकिन पब्लिक जो तिजारा के वोटर हैं, जो मतदाता हैं, भाग भी जाते हैं, वो भाई को सपोर्ट करने के लिए, सुनने के लिए और उद्यमी पोसवाल जी को मजबूत करने के लिए 11 बजे से लेके और 4 बजे तक संख्या प्लस होती चली गई, माइनस नहीं हुई। उन सभी साथियों के, बड़े बुजुर्गों का, माताओं बहनों का जो साहस था, जो उत्साह था, जो जोश था, उसने देख के और उसने ये पूरा आगाज कर दिया है। और बाकी जो रही सही कसर थी वो भाई हनुमान बेनीवाल जी ने और चंद्रशेखर आज़ाद जी ने। एक तरफा आगाज हो गया है इस विधानसभा में कि दोनों पार्टियां अब कहीं भी नहीं दिखेंगी। अब अगर आपको चर्चा सुनने को मिलेगा तो आज़ाद समाज पार्टी का सुनने को मिलेगा इस विधानसभा में, उद्यमी राम पोसवाल जी का सुनने को मिलेगा। और आने वाली 25 तारीख को जब ये वोटर वोट डालेंगे इस विधानसभा के, तो एक तरफा वोटिंग होगी, केतली के निशान के ऊपर वोटिंग होगी। जैसे आज़ाद समाज पार्टी के जो चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा कि 60 जो सीट ऐसी हैं जिसमें त्रिकोणीय संघर्ष है, पहली बार जो चुनाव लड़ रही है राजस्थान में, उसको देखते इतना देखो ऐसा है कि अब की बार ये तय है कि जो राजस्थान विधानसभा का जो ताला है, वो दो ताला है, उसकी चाबी आरएलपी और असपा के गठबंधन के पास है। ये जिधर झुकाव होगा, ये जिधर जो फाइनल करेंगे, उस विधानसभा का ताला ये ही पार्टी खोलेगी। और हो सकता है कि राजस्थान के जो मुख्यमंत्री होंगे वो हनुमान बेनीवाल जी बने और इस राजस्थान का नेतृत्व करेंगे और इस तिजारा विधानसभा की जनता उनको मजबूत करने के लिए उद्यमी राम पोसवाल जी को उनका एक मजबूत सिपाही बना के और चुन के यहाँ से भेजेगी। तो आप देख रहे हैं कि लगातार लोगों से हम कवर कर रहे हैं तिजारा विधानसभा को, जिस तरह से आज उद्यमी पोसवाल की सभा में जनसैलाब उमड़ा है, विपक्षी पार्टियों की नींद हराम हो गई है इस भीड़ को देखते हुए, क्योंकि ये किराए की भीड़ नहीं है, पैसा दे के भीड़ नहीं बुलाई है, ये जो जनता आई है अपने आप से कर आज़ाद है उसकी एक झलक देखने के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं। तो आप बताओ जी क्या देखो, भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने जो ये टिकट दे के भाई उद्यमी राम पोसवाल जी को, जो यहाँ के बहुजन समाज पे और जो गुजर समाज के ऊपर जो विश्वास जताया था, आज इस सभा ने, आपने देखा होगा, सभी ने भाई के साथ हाथ उठा के ये संकल्प लिया है कि आने वाली 3 तारीख को आज़ाद समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी, उनका जन्मदिवस है, उस जन्मदिवस के ऊपर जो तोहफा जाएगा राजस्थान की, जहाँ एंट्री हो रही है विधानसभा की, उसकी पहली सीट का तोहफा इस तिजारा विधानसभा की जनता उनके जन्मदिवस के ऊपर भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को देगी, ऐसा आज यहाँ संकल्प ले लिया है इस तिजारा की जनता ने, मतदाता ने और तिजारा विधानसभा के भाग विधाताओं ने। तो आप बताइए क्या कहेंगे आज की जो सभा को देखते हुए? देखो मैं ये कहूँगा, आज की सभा को देख के ये जो जनता थी, ये जनता कोई पैसे दे के बुलाई हुई भीड़ नहीं थी। ये जितने भी ये युवा खड़े हैं, ये सारे बदलाव चाह रहे हैं, ये सारे युवा भूख का पेट खड़े हैं यहाँ। 11 बजे का टाइम था और भाई साहब 4 बजे आए, लगभग 5 घंटे तक ये सभा चली और 5 घंटे तक भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी का इन्होंने वेट किया और भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के हाथ मजबूत करने के लिए ये जनता यहाँ खड़ी है। और अब की बार तिजारा विधानसभा से भाई उद्यमी पोसवाल को ये भारी मतों से
विजय बनाकर भेजेगी और भाई हमारी सभी तिजारा विधानसभा के सभी जनता की लड़ाई एकजुट होकर लड़ेंगे, 36 बरादरी की लड़ाई लड़ेंगे एक साथ मिलकर। तो ये संकल्प यहाँ से ये जनता लेके गई है और ये युवा चाह रहे हैं और यहाँ हमारे सभी जितनी भी हमारी पार्टियाँ हैं, पार्टियों के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो आज आए थे और जितने भी हमारे प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं ये सारे के सारे जितने भी नेता हैं ये सारे तिजारा में आए हुए हैं और सारे नुक्कड़ सभा कर रहे हैं और बहुत ही जल्द इस तिजारा विधानसभा की दशा बदलने वाली है। जी बिल्कुल ये बात सही है, भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने पहले ही ये हो गया, क्यों? क्योंकि ये जो बाबा बालकनाथ जो यहाँ से चुनाव लड़ रहा है इसे भावी मुख्यमंत्री का चेहरा बताया जा रहा है, तो इसीलिए भावी मुख्यमंत्री का चेहरे के लिए भाई उद्मीराम पोसवाल जी के पास में हर तरह के दबाव आए और हर तरह का प्रलोभन दिया गया, पैसे का भी दिया गया, पद का भी दिया गया और कहा गया आपको 30-35 सीटें बच रही थी उस टाइम गुजर बहुमूल्य क्षेत्र से कि बीजेपी की सीट से हम तुझे कहीं से चुनाव लड़ा देंगे, करोड़ों रुपये का ऑफर दिया गया और ये भी कहा गया कि तेरे को राज्यसभा सांसद तक बना देंगे, लेकिन भाई उद्मीराम पोसवाल जी ने कह दिया कि भाई मैं इस तिजारा विधानसभा का गड़ा नहीं घोट सकता, मैं चुनाव लड़ूंगा चाहे मेरा धड़ कट जाए, सिर कट जाए, मेरा धड़ चुनाव लड़ेगा, क्यों? क्योंकि इस तिजारा विधानसभा के जो ये युवा है इन युवाओं ने कह दिया है कि हम आपके बाहर बदलाव करेंगे। आप बताओ क्या नाम? देखिए जी आज का जो माहौल चल रहा है इस माहौल को देखते हुए मुझे लगता है कि दोनों जो विधायक है विपक्षी उनको रात को नींद नहीं आने वाली और बाबा ने 5 साल तिजारा में झांक कर नहीं देखा और आने इस समय अब जो वोट मांग रहे हैं उनको वोट नहीं मिलेगी और आने वाले समय में आजाद समाज पार्टी की जीत पक्की होगी इस माहौल को देखकर। देखिए सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि ये जो चुनाव है ये बदलाव का चुनाव है और तिजारा के अंदर पूंजीवादियों की सरकार जाएगी और समाजवाद की सरकार आएगी। क्या लगता है कि जिस तरह से समाज एकजुट है? बिल्कुल समाज एकजुट है, 3600 कौम सामने उद्मी पोसवाल के साथ है। चुनावी राजनीति में बड़ा मोड़ आ रहा है, कोई हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच दिखा रहा है और कोई जातिवाद का कर रहा है, तो इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए इन नेताओं की कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तिजारा में आज़ाद समाज पार्टी चुनाव जीत रही है जिसकी बौखलाहट से ये लोग भूल गए हैं कि आप हिंदुस्तान में हैं और चुनाव चल रहे हैं हिंदुस्तान में, ये कोई क्रिकेट मैच नहीं चल रहा है जिसे आप हिंदुस्तान और पाकिस्तान बता रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि लगातार हम कवर कर रहे हैं जो आज का सभा को देखते हुए आप देख रहे हैं कि उद्मीराम पोसवाल की जो सभा में जनसैलाब उमड़ा है उसको देखकर विपक्षी पार्टियों की नींद उड़ गई है। लगातार कवर कर रहे हैं तिजारा विधानसभा की, कैमरामैन साहिल के साथ 24 टीवी नेटवर्क राजस्थान।